अस्सलाम वालेकुम। इसमें हम बताते हैं आपको कि ये जो मशीन है हमारी स्पायर लैब, इसको कंप्यूटर के साथ जो इसका सॉफ्टवेयर है वो कैसे यूज़ करना है और अटैच कैसे करना है। इसके लिए आपको केबल चाहिए होगी। आप ये देख सकते हैं, ये हमारी केबल है जिसके साथ हम इसको कंप्यूटर के साथ अटैचमेंट करेंगे। ये आपने लगानी है इसकी बैक साइड पे, यहाँ पे अटैच करेंगे, और दूसरी साइड पे आप इसको लैपटॉप के साथ अटैच करेंगे। हमारे पास ये इसका विंस प्रो सॉफ्टवेयर है जो आपके पास इंस्टॉल होना ज़रूरी है लैपटॉप के अंदर। ये विंस प्रो को हम ओपन करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे फाइल, कॉन्फ़िगरेशन, प्रोटोकॉल, पेशेंट, टेस्ट, कैलिब्रेशन, होम केयर, ये इसके जो मेन्यू है ये आ रहा है। आपने जाना है कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे सबसे पहले, यहाँ पे ऑप्शंस में जाएंगे। यहाँ पे आप कौन सी टर्बाइन यूज़ कर रहे हैं, रीयूजेबल यूज़ कर रहे हैं, डिस्पोजेबल यूज़ कर रहे हैं, जोन सी भी यूज़ कर रहे हैं, आप उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे मेजरमेंट आपने सेंटीमीटर केजी में लेनी है, वहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप जाएंगे कम्युनिकेशन पे, यहाँ पे ब्लूटूथ के साथ अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ब्लूटूथ करेंगे, यूएसबी के साथ कर रहे हैं यूएसबी के साथ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप टेस्ट यूएसबी करेंगे तो आपके पास ये स्पायरल लैब की तस्वीर आ जाएगी यहाँ पे, और इसका सीरियल नंबर आ जाएगा और वर्जन आ जाएगा। यहाँ से फिर आप इसको अप्लाई कर देंगे। फिर ओके करेंगे। उसके बाद इसमें जो आपका टेस्ट है वो कैसे परफॉर्म करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा मेन्यू पे पेशेंट आ रहा है फर्स्ट टॉप के। पेशेंट पे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है न्यू एडिट सेव। हमने न्यू पेशेंट का टेस्ट परफॉर्म करना है तो न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे आ जाएगा उसका पेशेंट की जो हिस्ट्री है वो आ जाएगी। अगर तो आप ऑटो नंबर देना चाहते हैं तो ऑटो कर दें, अगर मैनुअल देना चाहते हैं तो मैनुअल आप खुद से फिर उसका कोई नंबर दे सकते हैं, इसको कोई भी आईडी नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे लास्ट नाम लिखेंगे, आपने कोई भी लिख लें, आप अपना पेशेंट के हिसाब से आप जो नाम लिखना चाहते हैं वो आप लिख लें। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप देंगे, उसी तरह डे पहले आएगा, मंथ बाद में आएगा, लास्ट में आपके पास ईयर आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है, दोनों में से जो आपने सेलेक्ट करना है वो आप करेंगे। ये हमारा फीमेल का साइन है और ये जो हमारा मेल का साइन है। उसके बाद ये आई थिंक ग्रुप है, यहाँ पे आपने पाकिस्तान करना है और यहाँ से फिर आपने गो टू विज़िट करना है। गो टू विज़िट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपने हाइट देनी है, कितनी है पेशेंट की हाइट, और यहाँ पे आपने वेट देना है, वेट कितना है उसका, और फिर इसको कंफर्म करना है, कंफर्म न्यू विज़िट कार्ड। अगर तो पेशेंट आपका नॉन स्मोकर है तो नॉन स्मोकर पे कर देंगे, स्मोकर है स्मोकर पे कर देंगे, एक्स स्मोकर था तो एक्स स्मोकर पे कर देंगे, नो स्मोकर है नो स्मोकर पे कर दें। नीचे सिम्टम या कोई डिटेल देना चाहते हैं तो आप दे लें, अदरवाइज यहाँ पे सेव करें और फिर इसको कैंसिल करेंगे। यहाँ पे आपके सामने ये जो अभी हमने पेशेंट का नाम दिया था ये अली असगर, ये आ रहा है। यहाँ फिर आपने जब FVC परफॉर्म करवाना है, FVC पे क्लिक करते हैं, आपके पास ये विंडो ओपन होती है। यहाँ से फिर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो आपके पास डाटा सेव होकर यहाँ पे ये आ जाती हैं वैल्यूज इसकी। यहाँ पे इसको दोबारा से आपने FVC फिर से परफॉर्म करना है तो उसी तरह आप माउथ पीस को माउथ में रख के लिप के अंदर फिर आप फोर्स लगाएंगे, इस तरह फिर अगेन करते हैं। यहाँ से फिर आप एक्सेप्ट करेंगे, ये आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगी।
यहाँ पे आप सेट एज बेस्ट कर सकते हैं, जो सेट एज बेस्ट होगी उसको वो दे देगा। इसके बाद आप वीसी पर फॉर्म करते हैं, वीसी पे जाते हैं, इसको भी एक्सेप्ट करते हैं, वीसी की भी वैल्यू आ गई है। जब आपने इसमें पोस्ट बीडी करना है तो उसके लिए आपको नेबुलाइज करवाना पड़ता है। नेबुलाइज करने के बाद 5 मिनट के बाद नेबुलाइज करवाने पोस्ट बीडी पे चले जाते हैं आप, और उसमें फिर एफवीसी दोबारा परफॉर्म करवाते हैं उसी तरह जिस तरह पहले परफॉर्म करवाया आपने। एफवीसी परफॉर्म करवाएंगे आपके पास पोस्ट बीडी के बाद भी आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर जब आप रिजल्ट्स पे जाते हैं आपके पास ये रिज़ल्ट का ऑप्शन है, आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाते हैं, एफवीसी का आ जाता है सारा, ये वैल्यूज़ आ जाती हैं, यहाँ पे ये ग्राफ आ जाते हैं। और जब आप प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे अभी इसकी रिपोर्ट जनरेट होके सामने आ जाएगी। जब आपने प्रिंट पे क्लिक किया है तो आपके पास ये इसकी रिपोर्ट जनरेट होकर सामने आ जाएगी सारी। ये ऊपर ग्राफ शो हो रहा है और यहाँ पे ये इसकी वैल्यूज आ रही हैं सारी। जहाँ से फिर आप इसको प्रिंट आउट दे सकते हैं, जो भी प्रिंटर होगा आप सेलेक्ट करके उसको प्रिंट आउट कर दें और ये प्रिंट आ जाएगा आपके पास। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं लगती तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और हमारे यूट्यूब पे चैनल है रेस्पिरो मेडिकल, उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल को क्लिक कर दें ताकि जितने भी हम तमाम वीडियोस अपलोड करें वो आप तक पहुंचती जाएं। शुक्रिया।